The sole purpose of this video is to promote the unmatchable and unparalleled beauty of incredible India. Your one share can contribute to spread it further one more step. So like and share as much as possible. And do subscribe us and press the bell icon to get all the latest updates from Travelmark ASAP. Traveling to hum sabko bahut pasand hai. बट जब भी हम लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट विजिट करते हैं या फर्स्ट टाइम फ्लाइट कैच करने वाले होते हैं ना, तो हम लोगों को जो नर्वसनेस होती है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है जो ट्रैवलिंग के साथ, फ्लाइट ट्रैवलिंग के साथ स्पेसिफिकली आती ही आती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे कोई भी फ्लाइट, चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, हासिल फ्री एंड सीमलेसली बोर्ड कर सकते हो। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माई नेम इज़ ऋषभ अग्रवाल, योर ट्रैवल पार्टनर फ्रॉम ट्रैवलमॉक, एंड यू आर वॉचिंग Beginner's Guide to Boarding a Flight। कोई भी फ्लाइट लेने से पहले इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप ये जान लो कि आप कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो। जैसे आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से बैंगलोर एयर एशिया से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप एयरपोर्ट में एंटर करो तो उससे पहले आपको आपका फ़्लाइट का टिकट एंड आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। सो कैरी इट विथ यू सो दैट वो सारी चीज़ें आपके पास ऑन कन्वीनियंस ऑन हैंड हो, एंड जब भी आप लोगों से उस चीज़ों के बारे में पूछा जाए कि आपके पास वो है या नहीं, सो आप हाथों हाथ उनको निकाल के दिखा सको। सो आई हैव कम्प्लीटेड माई बोर्डिंग, वापस बोल देता हूँ, मास्क की वजह से सुनाई नहीं दिया था। सो आई हैव कम्प्लीटेड माई बोर्डिंग, ये रहा मेरा बोर्डिंग पास, एंड आई एम गोइंग टू माई गेट 39B। बहुत दूर है, एंड सॉरी मैं आपको चेक इन प्रोसेस का कुछ भी नहीं दिखा पाया बिकॉज कैमराज वहाँ अलाउड नहीं है, बट अब कैमराज अलाउड हैं आगे। सो आई विल शो यू सम एयरपोर्ट एंड देन विल बोर्ड द फ्लाइट एंड देन डी बोर्ड इट एंड पुट आर लगेज बैग, टेक आर लगेज बैग विथ अस। सो आई हैड माई डिनर एट द एयरपोर्ट लाउंज। इसका एक्सेस कैसे मिला विदाउट हैविंग एनी क्रेडिट कार्ड, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, दूसरे वीडियो में बताऊँगा, नॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए मेरे पास दूसरे प्लान्स हैं, दूसरे वीडियो में बताऊँगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को भी इस चीज़ का, इस फैसिलिटी का इंजॉयमेंट लेने को मिले। एंड अब मैं जा रहा हूँ अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने। आई हैव कम्प्लीटेड द चेक इन प्रोसेस, आई हैव कम्प्लीटेड द सिक्योरिटी चेक, एंड अब मैं जा रहा हूँ अपनी गेट की तरफ अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने। प्रॉबेबली मेरी फ़्लाइट का जो वो है बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुका होगा। प्लस इससे पहले अगर आप लोगों ने कभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोई फ़्लाइट नहीं लिया है या सच में आप लोगों का फ़र्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस है, सो आई रिकमेंड कि आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली से फ़्लाइट लेना, बिकॉज दिस एयरपोर्ट इज़ रियली अमेजिंग। मैं इंडिया के दूसरे एयरपोर्ट्स भी विजिट कर चुका हूँ, लाइक बैंगलोर, कोची एंड पुणे, हैदराबाद एक्सेट्रा, लाइन बहुत लंबी है, बट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल के साथ मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड इट इज़ रियली अमेजिंग बिकॉज यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, जो वाइब है, जो ऑरा है ना, वो बहुत अलग है। एट एयरपोर्ट्स यू हैव टू स्टे अटेंटिव बिकॉज लास्ट मोमेंट पे गेट चेंज भी हो सकता है, जस्ट लाइक मी, बोर्डिंग में जस्ट 10 मिनट्स बचे हैं एंड लास्ट मोमेंट पे इन लोगों ने गेट चेंज कर दिया है फ्रॉम 39B टू 56। आई नो इट इज़ वेरी मच अम्यूजिंग बट ठीक है। Got the first one. This is very amazing feeling, like the king of the world. लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, मेरे ना आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है।
see, see the first one. See, queen. Not a single person is here. Thank you so much.